नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। लगा मधुली क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा, और जैसे कि 9th को मेरा यहाँ पे शो था और काफ़ी मन था कि सेकेंड टाइम आ रही हूँ नॉर्थ ईस्ट असम में, तो एक बार लंबा इस बार थोड़ा लंबा ट्रिप हो तो हम एक और स्टेट भी गए नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो पूरा ये जो ट्रिप रहा काफ़ी अच्छा रहा, और स्पेशली आज माजुली आए हैं। पहले बहुत सुना था माजुली के बारे में कि ऐसा है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये, और आज देखने को मिला एक्चुअली में बहुत सुंदर है। और अभी पता चला कि ये पहला ऐसा आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो सत्र घूमे हम, और यहाँ पे स्पेशलिटी जो है मुखा बनाने का टेक्निक वो देखा, लोगों से बात किया, और काफ़ी अच्छा लगा कि लोग यहाँ पे कल्चर, अपने कल्चर और हेरिटेज से बहुत इंटैक्ट हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पद्मश्री जैसे भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं और कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशली जो नामघर वगैरह हम गए थे नामघर देखने, तो वहाँ पे जो वैष्णवाइट्स हैं वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने कल्चर का प्रसार कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। और नेचर से तो भरा हुआ है, नेचुरल ब्यूटी तो है ही यहाँ पे। अभी मास्क कल्चर भी आपने देखा, तो उसको कैसे बनाते हैं, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अलग अलग स्टेप्स में एक्सप्लेन किया, प्रॉपर एक्सप्लेन किया, हमने वो पहन के भी देखा कि कैसा लगता है, तो मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा है। जैसे कल्चर को बताने का, अपने हिस्ट्री को समझाने का लोगों को एक काफ़ी एक्साइटिंग तरीका है, जो आज के बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो भावना कहते हैं आपके यहाँ उसको, ड्रामा को, तो ड्रामा करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है। और कैरेक्टर्स को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए जो यूज़ हो रहा है, जो मास्क का यूज़ हो रहा है, वो बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों तक एक्सप्रेशन पहुंचाने का, तो काफ़ी अच्छा लगा ये कल्चर यहाँ पे देख के। हाल ही में उसको GI टैग भी मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट से मास्क को। जी वो भी जान के काफ़ी खुशी हुई कि जो यहाँ पे आर्टिशंस हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आर्टिस्ट्स हैं, उसको लेके काफ़ी मेहनत करें कि उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हो, तो जान के अच्छा लगा। GI टैग भी मिला, और मुखा बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल चीज़ों को इतनी ऊंची मान्यता मिल रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो सिर्फ माजुली ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने कल्चर को स्प्रेड करने में लगा हुआ है, और मेरी तरफ से ये आप सभी के पास एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने लाइफ टाइम में एक बार नॉर्थ ईस्ट ज़रूर विज़िट करें। आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और आपका जो सॉन्ग है वो बोलाई नगर सुना दो। 9th को मेरा शो था, आपने काफ़ी अच्छी ऑडियंस थी वहाँ पे, शायद आधा आसाम सुना ही होगा वहाँ पे, अगर आप कहते हैं तो 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।
नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पहुंचे हैं आप? अभी आज सुबह ही पहुंचे। तो आज रहेंगे यहाँ? नहीं, अभी हम लोग रात को डिब्रूगढ़ निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे और मास्क प्रिपरेशन, जो मुखा बनाने का टेक्निक वो देखा, और जो आपके पद्मश्री हैं उनसे भी मिले, और अभी तो फिलहाल नेचर ही एंजॉय कर रहे हैं। माजुली का काफ़ी अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह है। पहले सुना था इसके बारे में, आज देख रहे हैं इसको। मैं ये उतार दूँ? हाँ। ये क्या ब्रह्मपुत्र का कुछ नदी शाखा नदी है क्या? और माजुली का सराउंडिंग में पूरा ब्रह्मपुत्र है? पहले था, लेकिन अब तक अब ज्वाइन हो गया वो, तो उत्तर ये तेजपुर और नहीं, वो लखीमपुर, हाँ धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव शंभू।